वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड ऑनलाइन क्लासेस। मैं बिंदु सिन्हा फिर हाजिर हूं आप लोग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जाने थे इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है, चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज के बारे में जाने थे, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, चार्ज का यूनिट देखा था हमने। आज लेकिन हम उससे आगे बात करेंगे, आज बातें होंगी चार्ज से आगे की, चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी। तो देखते हैं आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं चार्ज के दूसरे प्रॉपर्टीज से। ध्यान से देखिएगा और फरमाइएगा। सेकंड प्रॉपर्टीज है चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये वर्ड आप लोग ने सुना था इनर्जी के लिए, इनर्जी इज कंजर्व्ड हम लोग बोलते हैं ना, वैसा ही आपका ये चार्ज कंजर्व होता है। थोड़ा सा ये खराब लग रहा है देखने में, इसको ठीक कर लिया जाए। चार्ज कंजर्व, जैसे इनर्जी होती थी कंजर्व, वैसे चार्ज होता है कंजर्व। कहता क्या है इसको जरा समझते हैं। कहता ये है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर। यानी कहने का मतलब इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, इसको आप बना सकते हैं नहीं बिगाड़ सकते, तो कर क्या सकते हैं वो समझते हैं। कहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो उस पर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। याद रखिए आइसोलेटेड हम बताए थे ना, जो एक दूसरे से अलग, जैसे भी हम लोग क्वारंटाइन करते हैं, है ना, क्वारंटाइन अब चल रहा है ना कोरोना वाले कंडीशन में, क्या कहते हैं कि वैसे व्यक्ति जिसको कोरोना हुआ उसको अलग कर दो, उसके साथ कोई नहीं मिलेगा, वो क्वारंटाइन यानी आइसोलेट कर दिया गया उसको। तो सेम वही केस है आइसोलेटेड सिस्टम का, जिसका किसी और से कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कहता क्या है इसको पहले देख लेते हैं। द चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। फिर एक और चीज क्या था बोले अभी, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना आप इसको बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, बस इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर। अब जरा इसको एग्जांपल से समझ लें कि आखिर ये आइसोलेटेड सिस्टम जो हम कह रहे हैं बार बार, इस पे चार्ज कंजर्व्ड कैसे होगा। तो इसमें थोड़ा सा यूज होगा पिछले वाले प्रॉपर्टीज का, जबकि चार्ज एडिटिव नेचर था, जिसमें ये बताया थे बाबू आप लोग को कि चार्ज जब भी हम किसी पे देखते हैं तो उस पे इंडिविजुअल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अलजेब्रिक सम, याद है ना, प्लस माइनस के साथ। देखो मान लो ये एक ब्लॉक है बहुत बड़ा, इस पे चार्ज है -5 कूलम, +4 कूलम, -3 कूलम, +2 कूलम, +7 कूलम, बहुत सारा चार्ज है। अब अगर हमसे पूछेगा इसका टोटल चार्ज है तो कितना बोलिएगा टोटल चार्ज, तो हम लोग ये कहेंगे कि इसका जो टोटल चार्ज है वो हो गया, ऐड करो पहले प्लस वाला को ऐड कर लो, तो 7 और 4 11 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 से 3 उड़ा लो, 13 से 3 चला गया, कितना बचा 10, 10 से फिर 5 गया, कितना +5। क्लियर है, यानी चार्ज अभी क्या है +5। अब मान लो इसको हम सेक कर दिए, इसको आपस में ऐसे सेक कर दिए, और अब हमको सेक करने के बाद चार्ज मिला है उसी ब्लॉक पे अलग अलग मिला। मान लो ये हमारा मिला -8 कूलम, -4 कूलम, +2 कूलम, +2 कूलम चलो +1 कूलम कर लेते, +1 कूलम, +5 कूलम। अब इस पे अब तुमको ये बताना है कि ये पार्टिकल यहां पांच था ना, तो अभी टोटल चार्ज में कितना है 5 कूलम। अब हम बोल रहे हैं कि इसको सेक किए हमको ऐसा ऐसा चार्ज मिला, पांचवे पर क्या चार्ज होगा, पांचवे पार्टिकल पर क्या चार्ज होगा, तो कैसे करेंगे, कंडीशन वही है, चार्ज क्या है हमारा कंजर्व्ड है, यानी जितना चार्ज यहां उतना ही चार्ज यहां, यानी यहां चार्ज कितना होना चाहिए 5 कूलम, चार्ज कितना होना चाहिए 5 कूलम, पूरा मिलाकर 5, ध्यान से समझना पूरा मिलाकर 5। देखो 5 तो मेरे पास पहले से कितना हो गया, ये -8 और -4 कितना, अरे बोल दो बच्चा -12 होता है,
माइनस 12 प्लस है कितना? यार कमाल कल करते हो, माइनस 11 होता है और क्या, माइनस 11। अब माइनस 11 में कितना ऐड करेंगे कि जीरो होगा? बहुत तेज, प्लस 11, क्या दिमाग है तुम्हारा। तो प्लस 11 कूलम यहां होगा, दैट्स व्हाई। ये पूरा कंडीशन देख लो, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। 8 4 12, ठीक है, 12 हो गया, माइनस माइनस 12 और इधर 12 जीरो हो गया, 5 बज गया, देखो क्लियर है। यानी ये हुआ, ये पूरा सिस्टम है चार्ज कंजर्व होने का, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, तकलीफ, कष्ट, दुख कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके आगे चलते हैं, हम कह रहे हैं दिख रहा क्या, आ जाएंगे, क्या टेंशन है, कभी कभी कुछ चीजें लानी होती है, क्या करोगे। याद करो चार्ज का एक डिफिनेशन लिखाए थे तुमको, चार्ज का एक डिफिनेशन लिखाए थे कि चार्ज डेवलप होता है और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये डेवलप कब हो रहा था, जब कंप्लीट ट्रांसफर था इलेक्ट्रॉन का। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, कंप्लीट ट्रांसफर मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा अधूरा नहीं, कि तुम्हारे पास उसका एक टांग तुम्हारे घर पे है और बाकी शरीर कहीं और पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, जब भी जाएगा पूरा जाएगा। तो देखो यही प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड कहने का मतलब कि चार्ज जो है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर एनी, इस पे जनरल सवाल भी पूछा जाता है, Q बराबर क्या होता है, एनी, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन है तो ये गेन करेगा या तो इतना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो लॉस करेगा, अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो क्या करेगा, गेन करेगा, याद होगा। और इन सब के बारे में कौन बताया था, लॉस और गेन के बारे में, कि जब हम लोग मान के चलते कि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव ही चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है करता है तो निगेटिव ही चार्ज आ जाता है, इसका हम कौन बताए थे, ये बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये कंडीशन मान लिए कि चलो ऐसा ही होता है, इस टाइप के चार्ज को माइनस करते हैं, इस टाइप के चार्ज को प्लस करते हैं, अगर उसमें उल्टा मान लिए होते कोई फर्क नहीं पड़ता, आज वही कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। अब जैसे नंबर सिस्टम में कोई इसको कर दिया, इसको एक है और इस फिगर को हम दो कहेंगे, मान लेंगे ना हम लोग, भाई ये एक होता है ये दो होता है, क्या आप ऐसे बोल देते हो ये दो है ये एक है, मतलब ये इसको हम एक मान लेते इसको दो मान लेते, क्या फर्क पड़ता, वही सिस्टम चलता। मान लो बोलते ये वो इसको पांच कहना, तुम भी पांच ही बोलते इसको, वो फिगर दिमाग में बैठ गया हमारा, वैसे ही पॉजिटिव निगेटिव हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि प्लस वाला इसको हम लोग पॉजिटिव ही कहेंगे, इसको निगेटिव ही कहेंगे, दिमाग में बैठा हुआ हम लोग के, ठीक है। ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बताया था तीसरे क्लास में आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे देखो सबसे पहला क्वेश्चन एक जो बेसिक आता है, कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर कंबाइंड टू फॉर्म वन कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा। बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको याद है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है ना, बताए थे ना पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताए थे, नहीं बताए थे, अगर नहीं बताया मान लो तो अभी लिखते हैं हम, लेकिन याद रखना आप लोग की जिम्मेवारी है, लिखना हमारी जिम्मेवारी है। क्यू वन कूलम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, बहुत छोटा चार्ज है। और एक चीज याद रखिएगा इस चीज को भी, कि ये मिनिमम चार्ज है। क्यों मिनिमम चार्ज है, क्योंकि हमने अभी जस्ट बोला है Q बराबर क्या होता है, Ne, मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक, कंप्लीट है ना, एक से कम तो नहीं निकलता था, जब भी निकलेगा एक से ज्यादा निकलेगा या मिनिमम एक निकलेगा, चलो ठीक है, अगर मिनिमम एक निकला तो एक इलेक्ट्रॉन के और चार्ज आएगा, या तो प्लस या तो माइनस, गेन करेगा तो निगेटिव, लॉस करेगा तो पॉजिटिव,
तो ये मिनिमम चार्ज याद रखिएगा। जब भी कभी पूछे कि मिनिमम चार्ज बताओ, मिनिमम करंट बताओ, तो उसको हम आगे बात करें, करंट तक पहुंचेंगे, लेकिन मिनिमम चार्ज बोले तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। चलो क्यू का वैल्यू रखते हैं, 1 कूलम 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम मर गया, मतलब कैंसिल हो गया, कट गया। अहिंसा के वादी तो हम लोग है नहीं, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को मानते, ऐसा नहीं है, तो काट दिया उसको, ठीक है। तो 1/1.6 मतलब 1.6 इनटू 10 टू द पावर 19 माइनस में, गलती से प्लस लिखा गया था, बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे n था मल्टीप्लाई में जो छूट रहा था हमसे, गलतियां देखते रहे अपनी, दूसरों की नहीं, अपनी देखा जाता पागल। देखो 10 आ गया, ठीक है। अब यहां से करोगे क्या, थोड़ा इजी कर लेते इसको, सॉल्व करो, n है ना, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, इसको 10 टू द पावर 2 यानी 100 और 18 लिख सकते, बताओ बताओ कि कुछ गलत किए हम, गलत नहीं करते, सही करते, कैलकुलेशन ठीक ठाक चलता है, चार बार में 25 बार में और 6.25 रुपया यहां से, मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। सोच लो एक ही कूलम चार्ज बनाया, कितना इलेक्ट्रॉन लग गया हमारा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, आप लोग मोल पढ़े है ना, 6 इंटू 10 टू द पावर 23, उसे 10^5 कमी है, सोच लो मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लगा और चार्ज कितना बना, मात्र एक कूलम, मतलब अपने कूलम भाई साहब थे ना। चलो यहां तक कोई दिक्कत, इसको देखो जल्दी ध्यान से, इसको मिटाएंगे हम। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने कूलम चार्ज है, देखो इस टाइप का और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसको क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम, जल्दी लगेगा, वीडियो पॉज कर लेना, पॉज करके उसका नोट कर लेना। ठीक है, मान लो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे, इज द चार्ज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम इज पॉसिबल और नॉट, इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। मान ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि 3.2 इंटू 10 टू -20 कूलम पॉसिबल है या नहीं है, करना कुछ बस नहीं है, बस हमको n निकाल लेना, इफ वेदर n इज फ्रैक्शन और नॉट, हमको ये चेक करना, अगर n फ्रैक्शन में आ गया कहानी खत्म, वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, अगर n फ्रैक्शन में नहीं आया मतलब हम सही है, मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। चलो देख लेते हैं q और क्या फॉर्मूला होता है, ne, q का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, ne, तो q का वैल्यू देख ले यहां तक, n, n का वैल्यू तो नहीं मालूम, e का मालूम है, 10^-19, 16 से 2 बार 32, चलो n देखते हैं, -19 ऊपर जाएगा, जाएगा ना, अरे इतना अच्छा अच्छा खड़े जाएगा, -20+19 कितना, अब बोल दो -1, कहने का मतलब 2/10, कहने का मतलब 1/5, क्या ये पॉसिबल है, आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये 1/5 आया जो कि फ्रैक्शन में है, कहने का मतलब कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये क्या है, फ्रैक्शन में है, क्लियर है, कोई दिक्कत, यानी हम हमेशा ये देखेंगे कि चार्ज फ्रैक्शन में हो, मतलब चार्ज का जो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फ्रैक्शन में हो या नहीं, अगर वो फ्रैक्शन में है मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, अगर वो फ्रैक्शन में नहीं है मतलब ये चार्ज वो पॉसिबल, ये बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट क्या कहता है पॉइंट, कि चार्ज इज इनवेरियंस, चार्ज इज इनवेरियंस, ध्यान से देखना बाबू, एक अच्छा पॉइंट है ये, पहले बात सुन लो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये बाबू तुम लोग का, ठीक है, आगे भी वो हेल्प करेगा ये पॉइंट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज बताएंगे तो ध्यान से समझना, चार्ज इनवेरियंस होता है, कहता क्या है कि द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट डजंट डिपेंड्स अपॉन
अपॉन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि वेलोसिटी के कारण चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है, इसको बताने का जरूरत क्या था? कोई ऐसा चीज भला थोड़े ना वेलोसिटी पर डिपेंड करता, कुछ तरह का चीज नहीं डिपेंड करता है। याद रखिएगा, मास चेंजेज विथ चेंज इन वेलोसिटी, विथ चेंज इन वेलोसिटी। कहने का मतलब मास चेंज करता है, यही बोल रहे थे, वो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा याद रखना। मास चेंज करता है किसके कारण? वेलोसिटी के कारण, ठीक है। अब मन में एक सवाल फिर आ रहा होगा, सर मान लो हम गाड़ी से चल रहे हैं, गाड़ी चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, नहीं 40 तो चला था 60-70 मान लो, कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, सर उसका मास तो चेंज नहीं करता। बात आपकी भी सही है, मास वहां चेंज नहीं करता, लेकिन मास चेंज करता है, और वहां क्यों नहीं करता है उसके कारण जो बताए थे उन महान साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टीन। नाम तो सुना ही होगा आइंस्टीन का, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था m बराबर m नॉट बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां v क्या है? वेलोसिटी है। v क्या है? वेलोसिटी है किसका? ऑब्जेक्ट का। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब तुम बताओ उस c का वैल्यू कितना होता है वैक्यूम में, इतना हरा हमारा। अब तुम बोल रहे हो सर कि वी रहेगा 90 किलोमीटर, मानो चलो 90 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा यार? 90 का स्क्वायर में इतना का स्क्वायर करोगे वैल्यू कुछ पॉइंट नहीं आएगा। मास में कोई चेंज नहीं आने वाला, मास में चेंज तब आएगा जब ये बहुत बड़ा हो। चलो देखो कैसे बड़ा होगा, एफ बराबर एम ए पढ़े हो, बोलो हाँ ना, एफ बराबर एम ए पढ़े हो ना। अब ना देखो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास होता है 9.1 × 10^31 केजी माइनस में, और वो यहां पे माइनस 0.1 नहीं लिख रहे हैं, वो इजीली लिख रहे हैं, वो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। अब मान लो एक और ऑब्जेक्ट हो जिसका मास हो 900 केजी, ठीक है। अब दोनों पर तुम 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ, कितना का फोर्स? 1 न्यूटन का। तो ये m1 है और ये m2 है, a2 कितना होगा? तो एफ बरा ए बराबर क्या होता है? एफ बाई एम। ए टू कितना है? 1/900, और ए क्या होता है? एफ बटा एम, इसलिए 1/900 होगा, 1/900। अब सोचो ए वन कितना होगा? 1/9 × 10^31, यानी 10^31/9, बहुत बड़ा वैल्यू है, यानी इसका भी बड़ा होगा तो वहां मास में चेंज नजर आएगा। यानी मास में चेंज कब नजर आता है? जब बहुत छोटा पार्टिकल, ठीक है, वहां मास में चेंज नजर आएगा। जब बड़ा पार्टिकल हो तो वहां मास में चेंज नजर नहीं आएगा। तो आप ये समझ लीजिए बात को कि जो हम बातें कर रहे हैं चार्ज की, वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो सकता है। यहां साफ देख रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन का मास है, उसका एक्सेलरेशन इतना बड़ा, उसकी वेलोसिटी बड़ी, उसका मास चेंज हो सकता है किसके कारण? तो आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण मास चेंज हो सकता है, बट उसका चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। यही कंसेप्ट बताता है चार्ज इज इनवेरियंस। कहने का मतलब चार्ज कभी भी डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पे। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर एक चीज और करता है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इटसेल्फ प्रूफ ऑफ इट्स मास। अब इस बात को समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। कहने का मतलब क्या है? कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज अपने आप में एक प्रूफ है कि उसके पास मास है। इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं बाबू कि बिना मास के चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे बिना जॉब के अर्निंग नहीं आता है, वैसे ही बिना मास के चार्ज नहीं आता है। चार्ज होने के लिए मास का होना जरूरी है, ठीक है। फिर एक और चीज समझो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर एक बार हमने 5 पॉजिटिव चार्ज दे दिया, चलो 3 ही देते, थोड़ा देखना ठीक ठाक लग रहा है, ऐसे 5 में थोड़ा जीवन का 3 दिए, और एक बार 3 निगेटिव चार्ज दिए, ठीक है।
एक बार इस बेचारे पे तीन नेगेटिव चार्ज दिए, दोनों बार हम उसके मास को मेजर करना चाहते हैं, क्या मास सेम रहेगा या डिफर होगा। तो देखो जरा ध्यान से, इस पर तीन चार्ज पॉजिटिव कब आया होगा, जब इसने अपना तीन इलेक्ट्रॉन हटा दिया होगा और इसने तीन इलेक्ट्रॉन इस बार लिया होगा। दो अलग अलग केस में देख रहे हैं, एक बार उसने तीन इलेक्ट्रॉन हटाया होगा, एक बार तीन इलेक्ट्रॉन लिया होगा। जब उसने तीन इलेक्ट्रॉन हटाया होगा तो उस पर जो तीन इलेक्ट्रॉन हटा वो अपने मास के साथ हटेगा, जो भी उसका मास है उसके साथ हो जाएगा ना, वो मास उसके पास रहा नहीं है। तो मास घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मास को लेकर तो उसका मास घटेगा या बढ़ेगा, तो उसका मास घटेगा और इस वाले मास बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मास घट गया और ये मास बढ़ गया। तो पॉइंट नोट कर लो बाबू कि इन पॉजिटिव चार्ज मास डिक्रीजेस और इन निगेटिव चार्ज मास इंक्रीजेस। इसको नोट कर लो, पॉजिटिव चार्ज मास डिक्रीज करता है, निगेटिव चार्ज मास इंक्रीज करता है। दो पॉइंट यहां पे आपके पास, पहला कि चार्ज अपने आप में प्रूफ है किसका, मास का। चार्ज अपने आप में किसका प्रूफ है, मास का, और चार्ज के कारण मास चेंज करता है, पॉजिटिव में घट जाता है और निगेटिव में बढ़ जाता है। पॉजिटिव में क्या होता है, घट जाता है और निगेटिव में बढ़ जाता है। और ये लास्ट प्रॉपर्टीज है चार्ज का, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की दुनिया में प्रवेश करेंगे चार्ज की दुनिया को छोड़ते हुए, ठीक है। पहले फिलहाल हम प्रॉपर्टीज का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, और ये प्रॉपर्टीज आपको ये बताएगा, हमने आपको शुरू में बोला था चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, याद होगा आपको कुछ ऐसा जो हम बोले थे कि किसी किसी बुक में इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, रेड से लिखे थे हमको ज्यादा पूरा याद है हमें, ठीक है। आप लोगों को ऐसे याद रखना होगा कि हम यहां पर लिखे थे रेड से, ठीक है। तो चार्ज क्लियर है, फोर्स कहां में एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, क्यों वो यहां लिखेगा। कहता है क्या, इफ चार्ज के पास वी जीरो हो, वी जीरो कहने का मतलब रेस्ट, ठीक है, देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पता चलेगा चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, और जहां वो फील्ड आएगा मतलब वो फोर्स भी वहां मेजर करेगा, जो हम लोग आगे पढ़ना होगा अगर अगले चैप्टर में। फिर कहता है इफ क्यू के पास वी नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी हाँ वी नॉट इक्वल टू जीरो, इसको वैसे भी ले सकते हैं, वी अभी फिलहाल कांस्टेंट कर लेते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो में कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं। तो कहता क्या है, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड द लास्ट वन इज इसके पास वी नॉट कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, वो एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, यहां एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो कहता है कि देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज रेडिएट्स एनर्जी, एज वेल एज रेडिएट्स एनर्जी। अब इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। पहला चार्ज रेस्ट में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये जो तुम देख रहे हो ना चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, ये इलेक्ट्रिक करंट में आता है, इस तरह के वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक करंट होता है, और इसके कारण सिर्फ क्या आता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो आज हमको थोड़ा सा जानकारी मिला इलेक्ट्रिक करंट का, वो कब डेवलप होगा, जब चार्ज के पास कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हो किसी भी कंडक्टर में, उसकी बातें हम लोग करेंगे आगे अगले एपिसोड में, मतलब अगला वीडियो लेक्चर में, ठीक है, तो वहां हम लोग को मिलेगा। लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि चार्ज के पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होगा, क्या मिलेगा उसके पास, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और ये मैग्नेटिक फील्ड वहीं से आ रहा है, और ये जब बी कांस्टेंट नहीं हो, जब हम एक्सेलरेट कर दे चार्ज को,
जब चार्ज को एक्सलरेट कर दे, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, तो आज हमारी जो ये कहानी है चार्ज की समाप्त हो चुकी है। आज जो ये कहानी है वो चार्ज की समाप्त हो चुकी है। अब जब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो चार्ज की दुनिया को छोड़ के इलेक्ट्रिक करंट की दुनिया में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें A to Z ऑनलाइन क्लासेस पे। शुभ रात्रि, सबक है।